गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम अपने क्लास में हाजिर हैं आपके अगला टॉपिक को लेकर के। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट तो फेस कर लिया था, पास्ट कंटिन्यूअस को भी हमने फेस कर लिया था। अब आगे चलेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को हम लोग फिनिश करेंगे। आज परफेक्ट टेंस देखिए, इसका एक्चुअली पर हैड होता है और उनका थर्ड फॉर्म होता है। ये टेंस आपके लिए बिल्कुल आसान है, बस समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है आपको। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो था, जैसे कि एक ही एग्जांपल पर यूज करना था डेड, इसमें एक ही एग्जांपल पर यूज करना है हैड। वो सबके लिए यूज होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए एक ही यूज करना है हैड। अफर्मेटिव अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन के लिए हिंदी में एक सेंटेंस लिख रहा है, उसको हम लोग ट्रांसलेट करके देखेंगे। मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था या स्कूल जा चुका था, ये दोनों चीजें एक ही है, दोनों एक ही बात है, मैं स्कूल गया था या स्कूल जा चुका था, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी ये था नहीं रखते हम, तो ये किस में चला जाता, मैं स्कूल गया, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके आगे था है कि नहीं। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई भी वर्क जो है, काम जो है, हमारा बीते समय में पूरा हो चुका था, परफेक्ट मतलब पूर्ण हो गया था। और इंडेफिनिट में हम देखते थे कि ये पता नहीं चल पाता था उसमें कि पूरा हो गया था कि पूरा नहीं हुआ था, कुछ भी पता नहीं चल पाता था, इसको इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, पास्ट का अनिश्चित टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट को कहा गया। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि पास्ट में यानी बीते समय में हमारा कार्य जो है पूरा हो गया था। अब इसको हम ट्रांसलेट करके देखेंगे। सब्जेक्ट पहले रखना है, सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मैं यानी इंग्लिश में आई। अब इसमें आई यू ही सीट कुछ भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमें सिर्फ और सिर्फ हैड रखना है। तो आई के साथ भी हैड रखेंगे, आई हैड। वर्ब रखना है, वर्ब हमारा क्या है, जाना, गो, ठीक है। लेकिन हमें थर्ड फॉर्म रखना है वर्ब का, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, आई हैड गॉन। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल, आई हैव गॉन स्कूल। सिंपल, बहुत ही इजी है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं।
निगेटिव को देखेंगे निगेटिव पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हैड आएगा और इसके साथ नॉट जुड़ जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हैड नॉट परफेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए एग्जांपल इसमें नहीं बच जाएगा, जैसे मैं स्कूल नहीं गया था, मैं स्कूल नहीं गया था, इसमें सिर्फ नॉट लग गया है, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के लिए आई है नहीं है तो नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, इसके बाद ऑब्जेक्ट आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, निगेटिव का हो गया। इसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आता है, एग्रीगेटिव स्टार्टिंग होता है, हैड इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, क्या स्टार्टिंग में आता है इसमें, क्या आपने खाना खा लिया था, या इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या आप खाना खा चुके थे, सेम थिंग। ट्रांसलेट करेंगे हैड, स्टार्टिंग में हैड रखना है क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड है, क्या के लिए हैड हम लिख देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आपने यानी यू, हैड यू। अब वर्ड का थर्ड फॉर्म रखना है, वर्ड का थर्ड फॉर्म मैंने रखा हैड यू टेकन फूड, क्या आपने खाना खा लिया था, मैंने लिखा है क्या आपने खाना ले लिया था, है ना। अब ईटन भी लिख सकते हैं, हैड यू ईटन फूड, ठीक है। तो अगला स्टेप हम चलते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का, सेकेंड टाइप WH फैमिलीज के साथ। WH बताया था मैंने, WH मीन्स क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में रहेगा, इसके बाद हैड रहेगा, इसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर जो बचा आएगा ऑब्जेक्ट वो रहेगा ये। अब इसे एग्जांपल देखिए, तुमने मेरी पुस्तक
क्यों चुरा ली थी, चुरा ली थी या चुरा लिया था या चुरा चुके थे, बात एक ही है। ठीक है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड को पहले ढूंढेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा कहा है ये क्यों, तो क्यों को हमें क्यों की जो अंग्रेजी होती है उसको हमें स्टार्टिंग में रखना है, ये इस जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखें क्यों है तो क्यों की क्या होती है इंग्लिश वाई, वाई को हम स्टार्टिंग में रखेंगे वाई। इसके बाद हैड आएगा तो सोचना नहीं है क्योंकि सिर्फ सिंगल ही हैड ही है, इसमें डबल नहीं है कि किसको रखना है ये तो सोचना नहीं है, कैसा भी सब्जेक्ट हो बस हैड को उठा कर रखना। तो वाई हैड सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट यू है, वाई हैड यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म चुराना स्टील, थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, वाई हैड यू स्टोलन। अब जो है ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट है मेरी पुस्तक माई बुक, Why had you stolen my book? Second type हो गया। अब ये last third को भी देख लेते हैं। Third, WH noun के बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हाँ ये लास्ट में क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क जो है जरूर आप लोग लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जांपल देखें, तुमने कौन सी पुस्तक खरीदी थी, ये देखिए तुमने कौन सी पुस्तक खरीदी थी या तुमने कौन सी पुस्तक खरीद लिया था, बात देखिए। देखिए डब्ल्यूएच फैमिली ढूंढेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड वाला कहाँ है, कौन सी, कौन सी की इंग्लिश क्या होती है विच, तो विच के साथ क्या है नाउन है, नाउन ये पुस्तक है, हम पुस्तक को याद रख देंगे, इंग्लिश क्या होती है बुक, विच बुक। इसके बाद क्या रखना है, हैड रखना है, विच बुक हैड, सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू रखेंगे, विच बुक हैड यू, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, वर्ब हमारा क्या है बाई है खरीदना, और उसका थर्ड फॉर्म होता है बाय, ये विच बुक हैड यू बाट, तुमने कौन सी पुस्तक खरीदी थी। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट ट्रांसलेशन जो है और भी कई तरह के सेंटेंस आते हैं जिन्हें दो प्रकार के वाक्य जुड़े हुए होते हैं, तो उनको मैं बाद बताऊंगा, अभी बस ये स्टेंस के बारे में आप लोग जाने। परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है मैं सिर्फ वही बताया हूँ और बाकी वो मैं बाद में, अभी इसको आप समझ जाओगे तो बाद में मैं बताऊंगा, और वो सब बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक अलग से उसके लिए वीडियो में बना के आपको बताऊंगा, पहले हम लोग टेंस कंप्लीट करते हैं, है ना, इसके बाद ट्रांसलेशन में जब आऊँगा तो बताऊंगा उसको, ठीक है। और ये नॉर्मल से जनरल ट्रांसलेशन भी तो साथ साथ चल रहा है,
है ना। लेकिन और तरह के जो वाक्य हैं तो वो अलग से ट्रांसलेशन का टॉपिक लेके मैं बताऊंगा आप लोग को कि वो कैसे होता है। तो अब हम वीडियो को यहीं जो है स्टॉप करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, जो परेशानी होगी कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताएं। कमेंट कुछ बच्चों के आते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं। तो धन्यवाद। अपने बड़ों का कहना मानते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करें क्योंकि हमारे लिए वही सबसे बड़े हैं। आपके भी प्रथम गुरु आपके माता पिता ही होते हैं, तो आप अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए, उन्हें आदर दीजिए और डेली उनका पैर छूइए। धन्यवाद।